तीरत को जो कुछ भी चाहिए था उसे मिल रहा था। उसकी शादी होने वाली थी, वो इस घर की बहू बन के आने वाली थी, और एन मोमेंट पे वो सब कुछ छोड़ के चली गई। इंसाफ की देवी बनकर और बैठ गई मंडप में। अपने परिवार के लिए ये कुर्बानी दी है तुमने, क्या लिखा है बेवकूफ। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरत की हरकत ने किया मोंगा परिवार को शर्मिंदा, साहिबा पर फूटा अंगद का गुस्सा, दी अंगद ने साहिबा को पुलिस की धमकी। मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही होगे कि इस झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई, तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली इस झूठ के जाल में फंसे कैसे। मैं सब सच बताती हूँ, सीरत दी और मम्मी तुम्हारे बेबी और दारजी के फंक्शन में आने के लिए बहुत एक्साइटेड। वेल, ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे सीरत ने अंगद से शादी तोड़ गैरी के संग भागने का डिसीजन लिया था। सीरत के इस डिसीजन ने पूरे मोंगा परिवार का सर नीचे कर दिया है और सबके सामने उन्हें तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। वेल, अंगद सबके सामने साहिबा को इस बात का दोषी बताता है और कहता है कि ये उसकी ही चाल है, वो उसे पुलिस की धमकी भी देता है। इतना ही नहीं, अंगद की बीजी तो बेहोश ही हो जाती है ये सारे मामले को देखकर। वह सीरत की इस हरकत का न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा मोंगा परिवार को और साहिबा को खामियाजा। अब देखना ये है कि इस सिचुएशन को साहिबा कैसे संभालती है और क्या सच में पुलिस आ जाएगी।